हेलो दोस्त, मैं मनप्रीत सिंह। आज हम आपको बता रहे हैं एयर गैप चेक करने वाली गेज दुकान पे कैसे बनाते हैं। लोकल माय चैनल एंड चेक दिस गेज हाउ टू मेक इन लोकल पार्ट्स इन अ वर्कशॉप। हमारे पास है एक बुश, आर एस वी टापे का बुश है, ओटर टापे का 341 एलिमेंट है, जिसे हमने ये गेज चेक करने वाला अडाप्टर बनाना है। ये ऐसे गेज काम करता है और इसको हमने अपनी वर्कशॉप पे ही बनाया है। जिस बाइक के पास सीआरडी का टूल नहीं है, वो इससे अपनी वर्कशॉप में बना सकता है। और इसमें हमने ये गेज लगाई है, डेप्थ गेज है और ये एलिमेंट है 341 और आसपास टापे का बुश है और जो एलिमेंट का है और इसके पिन है। सबसे पहले दोस्तों आपको बुश लेना है और इसका साइज़ देखना है, जिस जो टाइट थोड़ा सा टाइट हो, और इसमें आपको एलिमेंट की बैरल डालनी है। जितना गैप इसके डाउन में है, आपने उसको लैथ मशीन पे थोड़ा सा टर्न करके इसमें लगा देना है। उसके बाद आपने जो एलिमेंट है वो पूरा काम करे, इसी को जैसे मैंने बनाया है, ये एलिमेंट है और इसको काट के बनाया है इधर से, और इसका जो ये होल है इसमें हमने आप कोई भी पिन ले सकते हो, तो मैंने स्पेंडल ली है सीआरडी की और उसको लेथ मशीन पे टर्न करा कर इसमें लगाया है जितने अब लगना है, और ये ऐसे वर्क करती है और काम करेगी। दोस्तों ऐसे हमने ये बनाई है, ये हमने बुश लिया है और ये इसका एलिमेंट और यहाँ डेप्थ गेज लगती है। और दिस इज वर्किंग, इसे आप एयर गैप चेक कर सकते हैं इंजेक्टर का। ये ब्लेरो का इंजेक्टर है और आपने एक बार ही करना है। हर इंजेक्टर का अपना अपना एयर गैप होता है और आपने जो पहले इंजेक्टर रिपेयर होने आएगा उसका कंट्रोल बाल बदलने से पहले आप ये गेयर लगा के अपने सिमुलेटर पे उसकी वोल्टेज कम करके आप चेक कर सकते हो। ये एमुलेटर पल्स ड्यूटी ज़्यादा दे रहा है, आपने इसको कम करना है। ये 0 से 5 और 6 के बीच जाएगा, ये ब्लेरो का इंजेक्टर है। आपने क्या करना है, जब पहले आपके पास रिपेयर होने के लिए कोई भी इंजेक्टर आएगा उसके पहले आपने एयर गैप चेक करना है। ये सिंगल सिम का इंजेक्टर है जिसकी हमने ये गेज बनाई है, होम मेड, बाज़ार में इसकी काफ़ी कीमत है पर हमने ये दुकान पे बनाई है, आप भी बना सकते हैं दोस्तों। सो आप मेरे साथ चलें, हम आपको बताते हैं ये हमने कैसे तैयार की। चलो सबसे पहले आपने इस बुश को ऐसे फिट कर लिया, थोड़ा सा टाइट लेना है, ये दोस्तों थोड़ा सा लूज है पर नया है मैंने आपके लिए, और इसका ये गैप चेक करना है। इसके नीचे से और इसका होल का अंदर लगाए,
ऐसे ये है 9 mm है। आपने क्या करना है 341 एलिमेंट की जो बैरल है, बैरल आपने वो लेनी है जैसे हमने ली है दोस्तों, इसमें ये गेज पूरी पूरी डलती हो और इसी का ही एलिमेंट लेना है क्योंकि ये गेज पकड़ने का पुलर भी बन जाता है। और इसके क्या करना है, इसको 9 mm डाउन करना है। डाउन कर आपने ऐसे बुश में फिट कर देना है जैसे हमने ये किया है। इस बुश में 9 mm इसे डाल देना है, जो टक्कर है ये टक्कर है इसके बराबर आ जाएगी और ये ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने इस एलिमेंट ये स्पेंडल लेनी है, कोई भी स्पेंडल आप ले सकते हो। मैंने ये स्पेंडल लिया, आप लेथ मशीन पे बना सकते हो। और आपने ये एक पिन ऐसे तैयार करनी है और स्प्रिंग के साइज़ का जो इसमें स्प्रिंग डलता है इंजेक्टर में, वो स्प्रिंग इसमें फ्री हो। और आपने क्या करना है, इसकी लेंथ मापनी है। ये मैंने स्पेंडल की लेंथ कुछ 45 और 46 है और इसका वर्किंग 37-38 है। क्या करना है, इस एलिमेंट को आपने इस होल में ये स्पेंडल को घुसा के इसमें फिट करना है। जैसे ये फिट हो जाएगा आप क्या करना है, इसको यहाँ से काट कर छोटा कर लो। छोटा करोगे ऐसे बन जाएगा और इसको ऐसे वर्किंग कंडीशन में होगा। जैसे वर्क करेगा ये ढीला नहीं होगा, गेज प्रॉपर वर्क करेगी। और ये जो पिन है ये आपने ऐसे वर्क करने वाली पिन फ्री में बनानी है और स्प्रिंग में ये फ्री हो और इसमें ये बात ऐसे ये वर्क करेगी। और इसको आपने डेप्थ गेज लगाकर सेट करना है। जब आप सिमुलेटर पे इसको वोल्टेज देखोगे, हमने सिमुलेटर पे दिया है, हमारे पास ऑप्शन है। जिसके पास ऑप्शन नहीं है वो बैटरी से या कोई और से एक बार इसको करंट देगा और इसका एयर गैप चेक करेगा, ज़ीरो से कितना आ रहा है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, चीपेस्ट रेट जिसे आप क्या करते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए 341 341, जिससे गेज पूरी डलती है। और एक स्पेंडल है जो अपने हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी है इंजेक्टर से निकली हुई, ये एक हमारे पास RSP बुश है। आप अपनी दुकान पे इसको बना सकते हैं और आपको मार्केट से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी इंजेक्टर आप इसकी अकॉर्डिंग इसकी हेल्प से सही कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका एयर गैप सेट होगा तो आपकी गाड़ी नॉकिंग नहीं करेगी, आपकी गाड़ी पिकअप सही लेगी, आपकी गाड़ी एवरेज सही देगी। तो कंपनियां और भी हैं जो मेरे भाई, किसी के पास CRD का टूल नहीं है, जो नया CRD का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। इसके साथ मैंने आज की वीडियो में हमने ये सिर्फ सिंगल सिम वाला इंजेक्टर की गेज बनाई है। अगली वीडियो में सर हम आपको डबल सिम वाला, उसके बाद नए नए इंजेक्टर जो भी आते हैं उसकी वीडियो और पंप की वीडियो पाएंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।